हाइड्रोकार्बन में आपने कल दो चीज़ें देखी थी, नंबर एक एल्केन, नंबर दो एल्कीन। एल्केन को समझाने के लिए मैंने IUPAC पद्धति के बारे में बताने के लिए आपको बताया था। मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ कि इस IUPAC पद्धति के अंदर दो पद्धतियाँ और बताई थी मैंने आपको, नंबर एक रूढ़िवादी प्रणाली की पद्धति, नंबर दो व्युत्पन्न प्रणाली की पद्धति। इस IUPAC पद्धति का कल मैंने आपको नाम बताया था, एक बार मैं दोबारा इसको बता रहा हूँ, IUPAC। आई का मतलब है इंटरनेशनल, यू का मतलब है यूनियन, पी का मतलब है प्योर, ए एप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसको पूरा बताने के लिए इसके अंदर जो साइलेंट शब्द हैं उनको आप काम में लोगे तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC का पूरा नाम आपको कल भी बताया था और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एक नंबर का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर के अंदर आता है, इसलिए आपको ये याद करना ज़रूरी है IUPAC का पूरा नाम। अब नंबर दो, इस हाइड्रोकार्बन के अंदर मैंने आपको कल दो प्रकार की श्रृंखलाएं बताई थी, नंबर एक विव्रत श्रृंखला और नंबर दो सेवरंत श्रृंखला। इसको अचक्रिय यौगिक और चक्रीय यौगिक भी कहा जाता है। अचक्रिय यौगिक के अंदर, अचक्रिय यौगिक इसके अंदर मैंने आपको कल दो प्रकार की और चीजें बताई थी, नंबर एक एल्केन, इस एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से पुकारा जाता है, ये मैंने आपको बताया था संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखिए इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों कहा जाता है, इसके अंदर सी कार्बन हमने लिया, कार्बन के ऊपर मैंने आपको चार संयोजकताएं बताई थी जो एकलबंध के रूप में है, ये एकलबंध है। इस एकलबंध के अंदर हम अगर H जोड़ दें तो ये हाइड्रोकार्बन हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन के बने हुए यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, ये बताया था कल मैंने। अब इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा और कोई है ही नहीं, निश्चित है, देख लें चाहे आप इसमें देख लें, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा कार्बन से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोकार्बन है ये। इस हाइड्रोजन को जब तक आप नहीं हटाओगे यहाँ से तब तक आप इसके अंदर दूसरा यौगिक नहीं जोड़ सकते, जोड़ ही नहीं सकते, अर्थात ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया को दर्शाने का काम करता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाएगा, इसलिए ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसके अंदर और कोई दूसरा यौगिक नहीं जुड़ता, इसलिए इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। नंबर दो, ये जो एल्केन है, इस एल्केन का सामान्य सूत्र मैंने आपको कल बताया था CnH2n+2, ये आपको रटना है, इसके बिना कोई भी हाइड्रोकार्बन का यौगिक आप निकाल नहीं सकते, सूत्र नहीं निकाल सकते। ये हुई बात अपनी संतृप्त हाइड्रोकार्बन की, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसको पूरा मिटा देता हूं मैं, संतृप्त यहां लिख देता हूं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब आगे चलिए, ये आगे की जो श्रेणी है इस श्रेणी के अंदर मैं यहां पर लिख देता हूं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दो भाग स्पष्ट हो गए, पहला भाग है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा जो भाग है वो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को मैंने आपको कल बताया था हल्का सा कि ये दो भागों में बांटा गया है, नंबर एक एल्कीन और नंबर दो एल्काइन, ये दो भाग हैं।
एल्कीन है, इसके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाएगा, निश्चित है। अगर डबल बॉन्ड नहीं होगा, द्विबंध नहीं होगा, तो एल्कीन नहीं होगा। इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, जरूरी है ये। अगर ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, त्रिबंध नहीं होगा, तो एल्काइन नहीं आएगा। इनके अंदर गौर करके आप देखिए, ये जो डबल बॉन्ड है इसको आप आसानी से हटा सकते हैं, सिंगल बॉन्ड में बदल सकते हैं, एकल बंध में बदल सकते हैं। और जब आप इसको सिंगल बॉन्ड के अंदर बदलेंगे तो निश्चित है, एक अगर एकल बंध यहाँ पर मैं लगाऊं तो इससे आप कुछ भी जोड़ दें, दूसरा एकल बंध है ये, अगर मैं यहाँ कोई दूसरी चीज़ जोड़ूं तो आप आसानी से दूसरा जोड़ सकते हैं। इसके अंदर आपको असुविधा के रूप में उस योगी को हटाने की जरूरत नहीं है, जुड़ा हुआ रहेगा। इसलिए ये योगात्मक अभिक्रिया को दर्शाएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया को नहीं दर्शाएगा। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है, इसलिए संतृप्त है। ये योगात्मक अभिक्रिया दर्शाता है, इसलिए ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक इसी प्रकार से इसको ले लें आप, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें अति व्यापनशीलता है, अर्थात ये इसको पहले आप हटाओगे तो द्विबंध में बदलेगा, फिर आप इसको हटाओगे तो ये सिंगल बॉन्ड के अंदर बदल जाएगा। इसलिए ये अति असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसको मैं अति लगा देता हूँ, अति असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये एल्काइन। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही है केवल, इसको मैंने अति नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? डबल बॉन्ड है, इसको आप हटाओगे तो थोड़ा ही जोर आएगा, इसलिए ये असंतृप्त की श्रेणी में है। इसको आप हटाओगे तो इसके अंदर पहले डबल बॉन्ड रहेगा, फिर आप इसके अंदर और यौगिक जोड़ोगे तो इसके अंदर सिंगल बॉन्ड तक आ जाएगा, इसलिए अति असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आएगा। लीजिए मैं आपको पुनः इसके सूत्र बता देता हूँ। सामान्य सूत्र है CnH2n एल्कीन का, और एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n-2। आज हम केवल और केवल एल्केन के IUPAC पद्धति के बारे में ही जानेंगे। IUPAC पद्धति को देखने के लिए अपन इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर ले लेते हैं ताकि ये स्पष्ट हो जाए। यहाँ पर मैं पुनः लिख देता हूँ एल्केन, और सूत्र है आपका दिया हुआ CnH2n+2। ये सूत्र सामान्य सूत्र है, ये आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, इसके अलावा कोई इलाज ही नहीं है, क्योंकि इस सूत्र के द्वारा ही हमें आगे का काम करना है। तो अब देखिए इसको आगे के लिए, इस एल्केन के हाइड्रोकार्बन यौगिक ज्ञात करने के लिए दो चीज़ें जरूरी हैं। नंबर एक, पहले आप पूर्व लग्न और उसके बाद आपको लेना है अनु लग्न। ये दो चीज़ें जरूरी हैं। पूर्व लग्न क्या है? हिंदी के अंदर आप उपसर्ग के बारे में जानते हैं, उपसर्ग को हम पूर्व लग्न मान लेते हैं केमिस्ट्री के अंदर, रसायन विज्ञान के अंदर। अर्थात वे शब्दांश जो शब्द को शब्द के पहले जुड़ करके शब्द में नवीनता पैदा कर दें, वो पूर्व लग्न है। अब लीजिए अनुलग्न, ये प्रत्यय हैं हिंदी के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर या रसायन के अंदर अनुलग्न कहलाते हैं। वे शब्दांश जो शब्द के पीछे जुड़कर शब्द में नवीनता पैदा कर दें वो कहलाते हैं अनुलग्न। ये दोनों के दोनों आपको याद करने हैं, पूर्व लग्न आपको रटने हैं। रटने वाली बात है, वो मैं रटने के लिए आपको बाध्य करूँगा, उसके बाद में रटना नहीं है, समझना है। अब आप लीजिए पूर्व लग्न एल्केन के अंदर ले लें, चाहे एल्कीन के अंदर ले लें, चाहे एल्काइन के अंदर ले लें, सब के अंदर पूर्व लग्न समान है, लेकिन अनुलग्न अलग अलग है, इस बात का ध्यान रखें आप। नंबर एक, पहला यहां पर मैं लिख रहा हूं मेथ, बड़े गौर से देखना, मेथ एक नंबर पर लिखा है, आपको एक नंबर पर ही याद करना है। नंबर दो, एथ
ये दो नंबर पर लिखा है। नंबर तीन प्रोप, मैंने तीन नंबर पर लिखा है। नंबर चार ब्यूट और नंबर पांच पेंट। ये पांच में इस साइड के अंदर लिख रहा हूं। आप देखिए जैसे मैंने लिखा है वैसे आपको याद करना है, जरूरी है, ये क्रम से याद करना है। ऐसा नहीं है मैथ के बाद में आप प्रोप बोल दें, प्रोप के बाद में पेंट बोल दें, गलत हो जाएगा। जो सूत्र अपन चाह रहे हैं वो सूत्र नहीं आ पाएंगे, इसलिए इनको क्रम से याद करना है। क्रम से इसलिए करना है, अगर आप मैथ का सूत्र निकालेंगे तो सी का मान एक रहेगा, एथ का निकालेंगे तो सी का मान दो रहेगा, प्रोप का निकालेंगे तो सी का मान तीन रहेगा, ब्यूट का निकालेंगे तो चार रहेगा। क्रम से आप बढ़ते चले जाएं, कम से कम आपके कोर्स के अंदर 10 ये पूर्व लग्न है। मैं 10 के 10 पूर्व लग्न को बता देता हूं, आप देख लें ये पूर्व लग्न 10 कौन कौन से हैं। पांच मैंने ऊपर लिखे हैं, पांच के बाद में मैं छठा यहां पर लिख रहा हूं, हेक्स सात, हेप्ट आठ, ऑक्ट नौ, नौव और दस अंतिम है ये डेक। क्रम से आपको याद करने जरूरी है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑप्टेन, नोवेन और डेकेन, ये इस प्रकार से बनते हैं। तो पहला मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑप, नो और डेक, ये पूर्व लग्न है। अब इस पूर्व लग्न के बाद में आपको लेकर के चलता हूं अनुलग्न के ऊपर। अनुलग्न, अनुलग्न देखिए, आप एल्केन बना रहे हैं, सामान्य सूत्र CnH2n+2 आपका लिखा हुआ याद है आपको। एल्केन बनाने के लिए अनुलग्न, इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि ये प्रत्यय है और प्रत्यय ऐसा होता है जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द में नवीनता पैदा कर दें, वो प्रत्यय है। केमिस्ट्री के अंदर ये क्या है, अनुलग्न, कौन एन, सब के अंदर एन एन जोड़ते चले जाएं, सूत्र अपने आप आता जाएगा। रटने की यहाँ गुंजाइश नहीं है, रटना है भी नहीं, केवल समझना है। रटने वाली केवल दो बात है, नंबर एक पूर्व लग्न क्रम से आपको रटने हैं, नंबर दो अनुलग्न है, ये आपको रटना है। इसके बाद में आपको रटने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। क्या जोड़ना है, एन जोड़ना है। मैं आपको क्रम से पांच एन जोड़ करके बनने वाले सूत्र बता रहा हूं। पांच जो नीचे बनने वाले जो सूत्र हैं वो आपको घर से करके लेके आने हैं, घर से मैं देखूंगा कि किस किस विद्यार्थी ने ये 10 के 10 सूत्र जो एन जोड़ करके प्राप्त किए कैसे हैं। देखिए अब आप मैथ में एन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, मैथेन। एथ में जोड़ेंगे एथेन, प्रोप में जोड़ेंगे प्रोपेन, ब्यूट में जोड़ेंगे ब्यूटेन, पेंट में जोड़ेंगे पेंटेन, पेंटेन, ये पेंटेन। ये पांच मैंने आपको बता दिए, पांच आपको करने हैं। अब जो ये मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑप्टेन, नोवेन और डेकेन ये आप बना रहे हो, अब आपका दूसरा काम यहाँ नया शुरू होता है, इनके अणुसूत्र निकालना। अणुसूत्र के लिए सामान्य सूत्र बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर जो एन लिखा हुआ है इस एन का मान जो सूत्र आप निकालोगे उस सूत्र के आगे जो संख्या लिखी हुई है वो यहाँ पर एन का मान है। इस बात के लिए मैंने आपको यह कहा था इनको क्रम से रटना है। मान लीजिए आप मैथ का सूत्र निकाल रहे हैं, अणुसूत्र मैथ का निकालना अपने को, तो मैथेन के लिए यहां पर पूर्व लग्न अनुलग्न मैथेन बन गया। यहां पर सी एन एस टू एन से सी का मान एक है तो सी का मान एक, एक को हम लिखते नहीं है, अंडरस्टूड है कि एक अपने आप में ही होता है, इसलिए सी लिख दिया। एच के बाद यहाँ पर दो है, दो इंटू एन का मान एक है तो दो, एक प्लस दो मतलब एच का मान कितना आ गया, फोर। एच का मान चार है, सी एच फोर, मेथेन का सूत्र हो गया। रटना कहाँ है, समझना है केवल। अब आप आगे देखिए, यहाँ पर
सी एन एस टू एन के अंदर एथेन का सूत्र निकालने के लिए सामने की जो संख्या है एन का मान कितना, दो। अब एन का मान जब दो है तो यहां पर आप सी के अंदर कितना लगाएंगे, दो, सी टू। एच एच को लीजिए ऊपर, दो इंटू एन टू, दो दूनी चार, चार प्लस दो कितने हो गए, छ, सी टू एच सिक्स। प्रोपेन का आप निकालोगे तो सी का मान कितना आएगा, एन का मान तीन, क्योंकि इसके सामने कितना लिखा हुआ है, तीन, इसलिए तीन आएगा। तो ये सी थ्री। एच का निकाल लें, रटना नहीं है, निकालना है, दो इंटू एन थ्री, तीन दुनी छः प्लस दो कितना हो गया, आठ, सामान्य बात है। आगे देखिए ब्यूटेन, सी का मान एन का मान कितना है, चार, और एच का मान कितना गया, चार दुनी आठ प्लस दो बराबर कितना हो गया, दस। अब एक बात और इसकी विशेषता बता रहा हूँ, ऊपर से नीचे की ओर आप जा रहे हैं तो आप गौर करके देखना, प्रत्येक श्रेणी के अंदर कितना अंतर आ रहा है, सी एस टू का अंतर आ रहा है, नहीं आ रहा। ऊपर से नीचे की ओर जाएं या नीचे से ऊपर की ओर आएं, इन दोनों के अंदर आप सी एस टू का अंतर देख रहे हैं, देख रहे हैं। इसका मतलब है, आप ये देखिए, CH2 का अंतर आ रहा है। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ, इसकी विशेषता है कि आप क्रमशः अगर दो तीन सूत्र सही सही निकाल लेते हैं तो आगे आप इस फॉर्मूले को काम में न लें तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि ये सूत्र आगे CH2 जोड़ने से अगला सूत्र प्राप्त कर सकते हैं, क्रमशः होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर CH2 जोड़ोगे तो C का मान कितना हो गया, पाँच, एच का मान कितना हो गया, दस, दस में दो और जोड़ दें कितना हो गया, बारह। इसी प्रकार से आप हेक्सेन का निकालेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं, हेक्सेन सी, हेक्स करते ही सी का मान छह है, क्योंकि आप जोड़ रहे हैं सी एस टू, जोड़ दें क्रम से, सी का मान छह, एच का मान कितना आ जाएगा, बारह, और दो जोड़ दें कितना हो गया, चौदह, हेक्सेन का हो गया। शेष सूत्र आपको बनाने हैं, ये जो सूत्र है यहाँ पर लिखा हुआ, ये सूत्र आप बना बना करके सीख लें, इसलिए किसी को भी रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। ये कहलाते हैं अणु सूत्र। क्या कहलाएं, अणु सूत्र कहलाएंगे ये अणु सूत्र हैं। इन अणु सूत्रों के फिर आपको दो प्रकार के और सूत्र बनाने हैं, एक का तो मैं कहूंगा संरचना सूत्र और दूसरे को मैं कहूंगा श्रृंखला सूत्र। संरचना सूत्र को समझने के लिए इस सी को आप गौर करके देखें, मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं, CH4 के बारे में, ये सी है, एक ही है सी, और आपको ये पता है कि कार्बन के ऊपर संयोजकता कितनी होती है, चार, एकल बंद है, द्विबंध और त्रिबंध को भूल जाएं आप, क्योंकि वो एल्कीन और एल्काइन में काम में लेंगे। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, एल्केन का नाम आते ही दिमाग में ये आना चाहिए आपके कि ये सिंगल बॉन्ड वाली श्रेणी है, सिंगल बॉन्ड आएगा, एकल बंद आएगा, ये एकल बंद है। इन एकल बंद के अंदर आपको क्या करना है, एच एच को जोड़ देना है, ये एच एच जुड़ गया, जब एच एच जुड़ जाता है तो एक संरचना बन जाती है, इसीलिए इसका नाम है संरचना सूत्र। आगे देखिए, मेथेन को हम लें तो मेथेन को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, आप देखना गौर करके, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये इसके ऊपर भी चार है, इसके ऊपर भी चार है, संयोजकता है। अब अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दूँ, हाइड्रोकार्बन है ही, तो हाइड्रोकार्बन को अपन इस प्रकार से लिख देते हैं, ये हाइड्रोजन जोड़ करके कार्बन से एकल बंध के द्वारा सूत्र तैयार होता है, संरचना सूत्र है ये, गिन लें आप, एक दो तीन चार पाँच छः, C2H6 किसका सूत्र बन गया, एथेन का, क्या कहलाएगा, संरचना सूत्र कहलाएगा। एक और देखिए आप, ये दो मैं आपको घर से करके लेके आने के लिए कहूँगा,
कौन कौन से? प्रोपेन। कौन से? ब्यूटेन। नीचे वाली श्रेणी करके लेके आएंगे। पेंटेन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ एक बार और। पेंटेन, पेंटेन का संरचना सूत्र मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। किसका? पेंटेन का। सी का मान कितना है? 5। एच जोड़ दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 1, 12। ये एच जोड़े गए हैं और सी के बाद में एच का मान यहाँ पर कितना दर्शाया गया है अणुसूत्र के अंदर? 12। जो 12 के 12 एच यहाँ पर इस संरचनात्मक सूत्र को पूर्ण करने के लिए काम में लिए गए हैं। बिल्कुल सामान्य बात है। अब एक बात हो रह गई, कौन सी? श्रृंखला सूत्र बनाने की। श्रृंखला सूत्र आप बनाओगे तो ये तो चूंकि इसके अंदर तो सी है ही, एक ही CH4 है ये। इसके अंदर ये जो सी है इसके बाद में एच कितने हैं? कितने एच हैं? 3, CH3। इसके बाद में एकल बंद, फिर कितने हैं एच? 3, CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। ये एथेन का श्रृंखला सूत्र हो गया। ठीक इसी प्रकार से नीचे वाला लें आप, नीचे वाला लेंगे तो इस सी के बाद CH3 बंद, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 और फिर है ये CH3। पेंटेन का सूत्र है। अब आप देखिए, तीन प्रकार की स्थितियां आपके सामने हैं, तीन प्रकार की। नंबर एक, ये जो पेंटेन है ये मैं इसको और अधिक आपको बताने के लिए इस कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये पेंटेन है। इस पेंटेन को आप गौर करके देखिए, सी का मान 5, एच का मान 12 है। इसके अंदर आप गौर करके देखेंगे, सी का मान 5 है, एच का मान 12 है। इसको गौर करके देखेंगे, सी का मान 5 है, एच का मान 12 है। अगर ऐसे लिखेंगे अणुसूत्र कहलाएगा। मूल सूत्र है ये। किसका? पेंटेन का। अगर ऐसे आप लिखेंगे तो संरचनात्मक सूत्र है। किसका? पेंटेन का। अगर ऐसे आप लिखेंगे तो कौन सा सूत्र है? श्रृंखला सूत्र। किसका? पेंटेन का। आगे चलिए, इस पेंटेन को मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लेता हूँ, ये यहाँ पर छोड़ता हूँ इसको। इस पेन नहीं लिया ना, ये पेंटेन है। श्रृंखला, मैं यहाँ पर श्रृंखला को अब विभाजित कर रहा हूँ, गौर से देखना, बड़े काम की चीज़ है। इसके अंदर सी का मान 5 है, एच का मान 12 है। अब ऐसी जो श्रृंखला है ये श्रृंखला कहलाती है। यहाँ पर एक और मैं कलर ले लेता हूँ, दूसरा कलर, ये कलर ले लेता हूँ। इसके नीचे मैं लिख देता हूँ एन पेंटेन। का मतलब नॉर्मल, सामान्य पेंटेन का श्रृंखला सूत्र है ये, एन पेंटेन कहलाता है। अगर इसको मैं शाखा में बदल दूं, गौर करके देखना कैसी शाखा, इसमें से किसी को भी एक को मैं नीचे ले आऊं, नीचे ले आऊं, तो मैं इस प्रकार से इसको ऐसे बदल दूं, गौर करके देखना, ये शाखा है। ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, कौन सी चीज़? ये चीज़, ये, इसको गौर से देखना, ये क्या कह रही है? या तो एक इसका प्रतिस्थापित समूह ऊपर है या फिर नीचे है, इसलिए ये मैंने ऐसा चिन्ह लगाया है। वरना आप ऐसा लगा सकते हैं, सी ऐसा लगा करके ऐसा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये देखिए आप, ये शाखा है। अब इस शाखा को अपन समझाने के लिए इस सूत्र को काम में ले रहे हैं। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो शाखा है, इस शाखा का उपयोग अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। ये सूत्र है सी एच
सी एच टू और सी एच थ्री, यहाँ पर तीन काम में लिए हैं मैंने, गौर करना। चौथा मैं इस प्रकार से ले रहा हूँ, पांचवा इस प्रकार से ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सी एच थ्री, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं सी एच थ्री। एक दो तीन चार पाँच कार्बन के कितने हैं, पाँच। हाइड्रोजन के गिनिए, तीन तीन छः, छः एक सात, सात और दो नौ, नौ और तीन बारह। प्रत्येक कार्बन चतुसंयोजी है इसलिए चार संयोजकता को पूर्ण कर रहा है। इसका मतलब इसके मूल सूत्र में तो कोई गड़बड़ नहीं है, C का मान पाँच है और H का मान बारह है। ऊपर C का मान पाँच है, H का मान बारह है, दोनों सूत्र समान है। लेकिन लिखने के तरीके के अंदर मैंने पहले तो सीधी श्रृंखला लिख दी थी, नॉर्मल सामान्य पेंटेन है। अब ये जो पेंटेन बन रहा है, अब पेंटेन ये कहलाएगा आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये जो श्रेणी यहाँ पर बन रही है, गौर करके देखना कौन सी श्रेणी बन रही है, ये श्रेणी बन रही है, ये जो श्रेणी बन रही है ये श्रेणी कहलाती है आइसो। इसलिए पेंटेन तो है ही है, ये कहलाएगा आइसो पेंटेन, आइसो पेंटेन, आइसो पेंटेन है ये। अब आगे और चलिए, थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर कर लेता हूं, नॉर्मल आपके समझ में आ ही गया, आइसो आपके समझ में आ ही गया। अब आगे देखिए, सूत्र तो यही है, मूल जो सूत्र है सी का मान पाँच है, एच का मान बारह है। लेकिन लिखने का तरीका देखिए, ये जो आइसो वाली है, इस आइसो वाली को मैं यहाँ पर दोबारा लिख रहा हूँ, इसी श्रृंखला को। ये सी है, इसके ऊपर कार्बन का मान चार, चतुसंयोजी है सी एच थ्री, सी एच थ्री, सी एच थ्री और सी एच थ्री, गौर करके देखना। इसके अंदर कार्बन का मान कितना गिन करके बताएं, पाँच। हाइड्रोजन को गिन लें, तीन तीन छः, तीन नौ और तीन बारह। एच का मान कितना है, बारह। मूलानुपाती सूत्र तीनों का समान है, एक को सीधी श्रृंखला है इसलिए नॉर्मल पेंटेन, दूसरे को एक शाखा बन गई आइसो पेंटेन। इसके अंदर दो शाखा हो गई, ये प्रतिस्थापित जो समूह है, ये प्रतिस्थापित समूह है कौन सा, ये प्रतिस्थापित समूह है, प्रतिस्थापित समूह, प्रतिस्थापित समूह ज़्यादा है तो हम इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, नियो पेंटेन। ये नियो पेंटेन है, नियो। अब देखिए, नियो नियो जो ग्रुप है इसमें से अगर हम एक एच हटा दें तो यहां पर एच कितने बचेंगे, दो, ये शाखा बना दो, इसको इसमें जोड़ेंगे, नियो ग्रुप हो गया। इसमें इस शाखा को अलग कर लें, आइसो हो गया। तो ये जो पेंटेन है, इस पेंटेन के तीन समावयवी हैं, तीन रूप हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन और नियो पेंटेन। अब आप, ये तो हुई इस पेंटेन की बात, इसी प्रकार से हम श्रृंखला बनाते जाएंगे आगे, हेक्सेन के अंदर, हेप्टेन के अंदर, ऑक्टेन के अंदर, नियोन के अंदर, डेकेन के अंदर, ये शाखाएं बनती चली जाएंगी। अपन इसको ये देखते हैं, इसको भी देख लें, इसको भी देख लें, दोनों को देख लें। इसको मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ, थोड़ा सा नीचे, ताकि ये आपको ये नज़र आए कि ये चीज़ जो बताने में जा रहा हूँ वो ये, एक तो ये चीज़ है और एक ये चीज़ है, दोनों की दोनों, अर्थात आइसो और नियो। अब हम करते हैं आई यू पी ए सी पद्धति की बात।
IUPAC पद्धति की बात करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहली, नंबर एक, सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन करना है, नंबरिंग देनी है। नंबर दो, शाखान्वित जो श्रृंखला होती है उसको काउंट करना है। अगर एक दो तीन काउंट करना है तो शाखान्वित श्रृंखला जहाँ से शुरू होती है उसको पहले लेना है। नंबर तीन बात, प्रतिस्थापित समूह अगर हैं तो वहाँ से श्रृंखला को क्रमबद्ध करना है। नंबर चार बात, अगर प्रतिस्थापित समूह हैं किसी के अंदर शाखान्वित हैं तो वहाँ से उसको नंबरिंग देनी है। नंबर पाँच बात, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है पांचवी बात के अंदर कि नंबर देते समय जो अंक होते हैं उनके बीच में कोमा इस्तेमाल होगी, जैसे एक दो तीन, ये मैं कोमा लगा रहा हूँ अंकों के बीच में। ध्यान देना, IUPAC पद्धति के अंदर जितने भी अंक होंगे उनके अंदर कोमा का इस्तेमाल करना है, जरूरी है। अब नंबर दो बात, अंकों और जो आपका प्रतिस्थापित समूह है उसके बीच के अंदर एक ऐसा निशान, कैसा निशान, ये निशान, ये नहीं कट रहा है, इसको यहां से हटाएं, इसको लें काम में, ये बस ये सही है। अब देखिए ये जो है अंक वाला, इस अंक के बाद में एक हम ऐसा चिन्ह काम में लेंगे लिखने के लिए, इस चिन्ह को हम कहते हैं हाइफन, ये हाइफन चिन्ह है। इस चिन्ह को काम में लेना है, उसके बाद में जो समूह हम लिखेंगे, जैसे मेथिल लिख दिया, एथिल लिख दिया, जो भी लिखा हमने, वो जो शब्द हम लिखेंगे उससे पहले ये लिखेंगे, हाइफन समूह लगाएंगे। उसके बाद फिर आप जो भी आपका यौगिक बनेगा हाइड्रोकार्बन का या अन्य यौगिक बनेंगे वो इसके बाद में लिखते चले जाएंगे। अगर उसके बाद में और कोई आता है तो फिर अंक के बीच में कोमा और उसके बाद में हाइफन का प्रयोग करेंगे। ये अब जो एक शब्द मैंने लिखा है मेथिल, देखिए आपने पहले पूर्व लग्न देखे थे, मैं मान लेता हूँ पूर्व लग्न आपके याद हैं, कुछ याद नहीं है तो याद कर लेना। मेथेन है, मेथेन अगर प्रतिस्थापित समूह के रूप में बदलता है तो मेथेन के अंदर से एक एच निकलता है तो ये CH3 रहता है। CH3 के बाद में ये CH3 के बाद में क्या बन जाता है, एक हाइफन यहाँ पर लगा हुआ होता है, इसको कहते हैं प्रतिस्थापित समूह है। ये मेथेन नहीं कहलाएगा अब, इसको क्या कहेंगे, मेथिल, क्योंकि एच गायब हो गया, एच गायब होने के बाद में ये हाइफन चिन्ह आ गया, अर्थात ये प्रतिस्थापित समूह किसी से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, जुड़ेगा, ये जुड़ने के कारण से ये क्या कहलाएगा, मेथिल। आगे बढ़ते चले जाएं, रटने की आवश्यकता नहीं है। मेथेन से मेथिल बनाया तो एथेन से एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, इस प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएं। अगर मान लीजिए ये जो मेथिल समूह है किसी के अंदर दो आ गए, किसी के अंदर तीन आ गए, किसी के अंदर एक आ गया, तो इसके लिए भी एक वर्गीकरण की सारणी है। अगर एक आता है मेथिल का तो हम उसको मोनो कहेंगे, मान लो मोनो है एक के लिए, दो के लिए प्रतिस्थापन समूह है डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए ट्रेटा, पांच के लिए पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, फिर इस प्रकार से ये श्रेणी आती जाएंगी। एक के लिए मोनो, दो के लिए डाई। अब एक के लिए मोनो, बहुत सारे सूत्र आपने देखे हैं और मैंने पूर्व आपको बहुत सारे सूत्र बताए, उनमें से एक सूत्र ले रहा हूं, किसी सी और ओ को, ये सी और ओ बोलने के अंदर हम कैसे बोलेंगे, आपको बताया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो, मोनो का मतलब एक, मोनो लगा दिया हमने, इसको हम दूसरे रूप में देखें तो यहां पर आता है CO2, CO2। अब इसको बोलेंगे कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड, डाई का मतलब कितना हो गया, दो, कार्बन डाइऑक्साइड, डाई लिख दिया ना, क्यों, ऑक्सीजन का एक है मोनो, ऑक्सीजन के दो हैं डाई,
और लीजिए, आपको पहले भी बताया था PCl3, पी फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, ट्राई तीन, क्लोराइड के कितने हैं, तीन, ट्राई हो गया। और लीजिए CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा जो क्लोराइड है उसमें क्लोराइड के कितने हैं, चार। ऊपर ले जाता हूं, इसी प्रकार से P2O5 लिखते हैं, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, पेंटा, पेंटा का मतलब कितना है, पांच है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड है ये। अब मैं इसको और आगे बताने के लिए आपको ये तो ये है ही, लेने ही है काम में, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिस्थापित समूह है, अगर मान लीजिए F हो तो फ्लोरो, Cl हो तो क्लोरो, Br हो तो ब्रोमो, I हो तो आयडो, NO2 हो नाइट्रो। ये प्रतिस्थापित समूह फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयडो नाइट्रो ये कहलाएंगे, नाइट्रो कहलाएगा, फ्लोरो कहलाएगा, वैसे फ्लोरीन होता है लेकिन फ्लोरो हो जाएगा, क्लोरीन होता है क्लोरो हो जाएगा, ब्रोमीन होता है ब्रोमो हो जाएगा, आयोडीन होता है आयडो हो जाएगा, और नाइट्रेट है NO3 ये नाइट्रो हो जाएगा। इस प्रकार से इसके अंदर प्रतिस्थापित समूह इस प्रकार से बनते हैं। अब प्रतिस्थापित जो समूह है अगर इनकी संख्या एक से अधिक हो तो IUPAC पद्धति के अंदर लिखने के लिए हम सबसे पहले कौन सा क्रम लेंगे, अंग्रेजी के अल्फाबेट, ए पहले आएगा, बी से बनने वाला, बाद में सी से बनने वाला, बाद में यूं करते आगे से आगे बढ़ते चले जाएं, जैसे मेथिल और एथिल, इन दोनों में से अगर प्रतिस्थापित समूह हो तो पहले कौन आएगा, एथिल, क्यों, ए आ गया, अल्फाबेट समूह है, पहले ए आएगा। अब मैं इसके IUPAC पद्धति के अंदर नामकरण का तरीका जो मैंने आपको बताया है, मैं वापस पूर्व की ओर चलता हूँ, किसमें, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन तो सामान्य नाम बताएं जो आपको याद करने हैं। हम लेते हैं IUPAC पद्धति में आइसो को क्या कहेंगे और नियोपेंटेन को क्या कहेंगे, ठीक है ना। अब लीजिए ये कलर लेते हैं, ये आइसोपेंटेन है। आइसोपेंटेन के लिए मैंने कहा कि शाखान्वित श्रेणी जहाँ से शुरू हो रही है नामकरण अंक, उस आधार से हम इसको इंगित करेंगे। मान लीजिए प्रतिस्थापन समूह ये है तो यहाँ पर ये एक दो तीन प्रतिस्थापित समूह है ये। अब एक दो तीन के अंदर यहाँ पर ले लें एक, ये दो, ये तीन, ये चार प्रतिस्थापित समूह एक है। अगर आप इसको प्रतिस्थापित नहीं माने इसको माने तो यहां से एक दो तीन लेंगे तो भी बात वही है, लेकिन हम इसको मान रहे हैं इसलिए इसको नंबरिंग करेंगे, तो एक दो तीन चार ये नंबर हो गया। अब ये जो चार नंबर इसके अंदर इस प्रकार से है ये इसके अंदर, तो आप देखिए यहां पर दो के ऊपर ये है CH3, क्या कहेंगे, मेथिल, कितने पर है, दो पर है, तो अंक आपका क्या आएगा, टू, यहां लिख रहा हूं टू। फिर टू के बाद में दूसरा कोई अंक है नहीं इसलिए कोमा लगाने की जरूरत नहीं है, क्या लगाऊं, साइफन, फिर क्या लिखूं, मेथिल, कितने पर है, टू पर है, क्या है, मेथिल है, तो टू मेथिल। अब कार्बन के कितने हैं, चार, चार को हम क्या कहते हैं, ब्यूटेन, एकल बंध है ब्यूटेन है, तो टू मेथिल ब्यूटेन, टू मेथिल ब्यूटेन।
अब 2-methylbutane के बाद आप इसकी ओर ध्यान दें, इसकी ओर, किसकी ओर, नियोपेंटेन की ओर। नंबरिंग कहीं से भी कर दो चाहे आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि बीच में सी है, ऊपर और नीचे दो है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1, यहाँ पर कर देता हूँ 2, यहाँ पर कर देता हूँ 3, ये कार्बन के नंबर हैं। 2 नंबर पर प्रतिस्थापन समूह हैं दोनों के दोनों, कौन, मेथिल, कितने नंबर पर, 2 नंबर पर, तो 2 नंबर पर है, तो ये हम यहाँ पर इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये 2 मेथिल कितने हैं, 2 हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, तो 2 2। अब मैं गौर करके देखना, 2 अंकों के बीच में कोमा लगनी जरूरी है, इसलिए 2 2, और 2 बार आ गया तो डाई, 2 2 डाई मेथिल, 2 2 डाई मेथिल। अब 3 नंबर पर क्या आ गया, प्रोपेन, तो 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन, 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन आ गया। इनको कहते हैं IUPAC पद्धति। और देखिए एक चीज आपको और बता दूं, बाद में अगला काम अपन बाद में करेंगे, आज मैं केवल आपको इतना सा ही बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग के अंदर ज़्यादा नहीं रहे, आराम से याद भी कर लें। इनमें से कोई एक प्रतिस्थापित समूह लेते हैं, अंदाज से मैं एक श्रृंखला यहाँ पर लिख रहा हूँ, गौर करके देखना आप पहचानना क्या लिख रहा हूँ मैं, CH3 CH CH CH3, इसके ऊपर मैं एक पर लिख रहा हूँ यहाँ पर Br, और एक के ऊपर मैं लिख रहा हूँ Cl। Br का मतलब ब्रोमो और Cl का मतलब क्लोराइड है, इसलिए ये क्लोरो। हमें IUPAC पद्धति के अंदर नामकरण करना है, बस 3-4 मिनट का काम और है। IUPAC पद्धति में नामकरण करने के लिए मैं 1 2 3 4 नंबर दूंगा, नंबरिंग कहाँ से करूँ बताइए, सिंपल सी बात है, अंग्रेजी के अल्फाबेट के अंदर सबसे पहले कौन आ रहा है, B आ रहा है, बाद में कौन आ रहा है, C आ रहा है, इसलिए C से तो करने की ज़रूरत है नहीं, कहाँ से करनी है, B से, तो B से करूँ, तो यहाँ पर नंबरिंग करने के लिए मैं दूसरा पेन ले लूँ, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, ये नंबरिंग करने का तरीका है IUPAC पद्धति में। 2 क्या दूँ, ब्रोमो है, 2 ब्रोमो, हाइफन को मत भूलिए, 2 ब्रोमो, फिर अंक आ गया है हाइफन, 3 हाइफन, क्या, क्लोरो, 3 क्लोरो। अब बोलिए एकल बंद है, 4 है, इनका मान 4 है, क्या आएगा, ब्यूटेन, तो ये आ गया ब्यूटेन। IUPAC पद्धति के अंदर 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन आ गया। एक और ले लें लास्ट के अंदर बस, उसके बाद में अगला काम अपन कल देखेंगे कि किस प्रकार से IUPAC के जो जटिल यौगिक हैं उनको किस प्रकार से IUPAC पद्धति के अंदर नामकरण किया जाता है, उनका किस प्रकार से उनको देखा जाता है। तो देखिए एक और लेता हूँ मैं, ये श्रृंखला है CH3 CH CH2 CH CH3, ये लंबी श्रृंखला है, यहाँ पर बंद लगा दिया, यहाँ पर बंद लगा दिया, यहाँ पर बंद लगा दिया, कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो